दैट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्विटी देखिए पहला गोल हमने बताया प्लानिंग का कि ग्रोथ है इकॉानी ग्रोथ. ग्रोथ है लेकिन जो इकॉनमी ग्रोथ है यह मीनिंगस होती है इसका कोई मतलब नहीं है अगर ये ग्रोथ और इसके बेनिफिट्स सिर्फ चंद लोगों तक महदूद रहते हैं इकॉनमिक ग्रोथ वुड बी वुड बिकम मीनिंग ऑनली टू अंडफुल ऑफ पीपल इन द सोसाइटी नहीं फिर क्या होना चाहिए देखिये ये जो ग्रोथ है वर्चुअली इसका कोई मकसद सोसाइटी में नहीं होता है जहाँ अमीर अमीर तर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब तर होते जा रहे हैं जहाँ रिच रिचर होते जा रहे हों और गरीब एंड पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल इवन फॉर लाइफ तो होना क्या चाहिए बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड एक्रॉस लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम्स इक्विटेबल जो ग्रोथ है इसके फ्रूट्स इक्विटेबली हो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए ऑल सेक्शन तक पहुंचने चाहिए ऑफ सोसाइटी तब ये ग्रोथ मीनिंगफुल बनती है और जब ऐसा हो दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम्स इक्विटेबल और जिसे हम सिंपली इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहें ऐसे सिंपली ग्रोथ विथ जस्टिस कहा जाता है ग्रोथ विथ जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस राइट दो जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है इट इम्प्ल सोशल इक्वेलिटी, इट इम्प्लाइज सोशल इक्वेलिटी, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑबजेक्टिवज़ ऑफ आर गोल्स ऑफ पलानिंग प्लानिंग का एक अहम मकसद होता है वट सोशल इक्वेलिटी, दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, और एज स्टूडेंट्स यू मस्ट एप्रिश द डिस्टिशन बिटवीन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है दूसरा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए इन दो कंसेप्ट में फर्क है जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इट वुड मीन that every individual in the society gets the same share in the country's national income. equally, equal may equal same share in the national income of the country. it would imply a situation when a doctor gets the same salary as a clerk in the hospital. that's equal distribution. like in economics, economics may be meaningless. वट वर्क इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है इट रेफर्स टू सिचुएशन इन इनकम आर अलाउड, बट ऑनली विध सर्टन लिमिट्स। यहा डिज इन इनकम अलाउड होती है लेकिन विद सर्टन लिमिट्स। नेचुरल इनइी होती है एंड दीज डिफरेंसेज आर टू बी

उसको पचास हजार मिलते हैं जिसकी सिर्फ एक घंटे में एक ऑपरेशन होता है फॉर द ईयर वर्किंग एट आवर्सेंड या फैक्ट्री वर्कर गेट्स रुपीज फिफ्टी थाउजेंड डॉक्टर को एक घंटे के लिए पचास, पचास हजार मिलते हैं फॉर परफॉर्मिंग फार्मिंग सर्जरी ऑपरेशन दूसरी तरफ एक मजदूर है एक वर्कर है फैक्ट्री वर्कर है उसको पूरे साल के लिए पचास हजार मिलते हैं और वो काम क्या करता है एट आवर्स पर डे यहां द डिफरेंस इनकम इज टू लार्ज टू बी सोशली जस्टिफाइड सच आर डिफरेंटेड मस्ट बी कम्पैटेड कम्पैटेड टू अचीव एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और जो इक्विटी है इन टर्म्स ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंप्लाइज सोशल जस्टिस पहले ही मैंने कहा

ग्रोथ है पहले ग्रोथ होनी चाहिए डेवलपमेंट होना चाहिए इक्विटी होनी चाहिए ग्रोथ का मतलब होता है राइज इन जीडीपी डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ विद इक्विटी एज वेल एज स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकॉनमी और इक्विटी का मतलब होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सो दैट द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ आर श्योर्ड बाई ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड स्ट्रक्चरल चेंज एम्प्लाइज शिफ्ट इन द सेक्टोरल शेयर इन जी डी पी यर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर शुड ग्रेजुअली रैट ऑफ प्राइमरी सेक्टर शुड ग्रेजुअली फॉल इट इम्प्लॉइजन सेकेंडरी एंड टेशरी सेक्टर सेक्टर्स एमर्ज एज द की सेक्टर्स ऑफ ग्रोथ प्रोसेस और इसका मतलब यह नहीं कि प्राइमरी सेक्टर जिसे एग्रीकल्चर भी कहते इसको नेगलेक्ट करना चाहिए नहींट द एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ प्रोसेस शुड शिफ्ट फ्राम प्राइमरी सेकेंड